जिला कांगड़ा वॉलीबॉल संघ द्वारा जिला के बॉर्डर क्षेत्र नशे के गढ़ बद्रोहा के थप्पुर में मास्टर वॉलीबॉल अकेडमी के सहयोग से जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से 11 वॉलीबॉल टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान जिला वॉलीबॉल संघ कांगड़ा के महासचिव रमेश मस्ताना विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में डमटाल के थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिला वॉलीबॉल संघ कांगड़ा का प्रयास है कि जिला मुख्यालय से बाहर जिले के हर क्षेत्र के युवाओं को वॉलीबॉल जैसे खेल के साथ जोड़कर युवाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ती नशे की ओर रुचि को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में इस वर्ष जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ऐसे क्षेत्र में किया गया है जो पंजाब बॉर्डर के साथ सटा हुआ है और आए दिन नशे की तरक्की से संबंधित खबरें इसी क्षेत्र से पढ़ने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अहम प्रयास है कि यहाँ युवाओं को खेलों के माध्यम से जागरूक किया जाए और नशे की आदतों को छोड़कर वॉलीबॉल जैसे खेल की ओर अपना रुझान करें। इस प्रतियोगिता के दौरान जिला कांगड़ा की टीम का चयन भी किया गया जो 13 से 15 अक्टूबर तक रोहड़ू में आयोजित होने वाली 60वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता के दौरान चयनित खिलाड़ियों के लिए 7 अक्टूबर से 11 तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों का विधिवत ज्वाला माँ का पूजन कर समापन किया गया। इन अश्विन नवरात्रों में दुर्गा माँ की विशेष पूजा की जाती है। ज्वालामुखी पहुंचने पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति का एसडीएम अंकुश शर्मा व मंदिर अधिकारी विशन दास ने स्वागत किया। इन नवरात्रों के समापन के अवसर पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति व एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने माँ का विधिवत पूजन किया। इन अश्विन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। इन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ के ज्योतियों के दर्शन किए और माँ के जयकारे भी लगाए और बाद में कन्या पूजन भी किया। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, मंदिर अधिकारी विशन दास शर्मा, पुजारी मधुसूदन व पुजारी सौरभ शर्मा ने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति को माँ की चुनरी व माँ का प्रतीक भेंट किया। उन्होंने माँ के दर्शनों के बाद लंगर में सभी श्रद्धालुओं के साथ बैठकर माँ का प्रसाद ग्रहण किया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उन्होंने कहा कि नवरात्रों व दशहरे की कांगड़ा वासियों व देश व प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने कहा कि अश्विन नवरात्रों का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। इन नवरात्रों के समापन पर ज्वाला माँ का पूजन और हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इन नवरात्रों में 7वें नवरात्रे तक श्रद्धालुओं द्वारा 7 लाख रुपए सोना, 40 ग्राम और चांदी 5 किलो ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित की गई। इन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में पुजारी शैलेश शर्मा ने कहा कि इन अश्विन नवरात्रों का समापन हवन और कन्या पूजन के साथ किया गया। इन नवरात्रों का समापन के अवसर पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने ज्वाला माँ का विधिवत पूजा अर्चना कर की। मंदिर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ज्वाला माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। इन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने माँ की पवित्र ज्योति के दर्शन किए और जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं ज्वाला माँ से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो। सोलन में चिट्टे की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ये हाल हो गया मानो जैसे हर मोड़ और चौराहे पर चिट्टा बिक रहा है। यही कारण है कि पुलिस आए दिन चिट्टे के
तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पुलिस ने दो चिट्टे के तस्कर युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवा शिमला और अर्की के बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सबसे सक्रिय पुलिस सोलन की पुलिस मानी जाने लगी है, जो चिट्टे तस्करों को जड़ से उखाड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब तक दर्जन भर विदेशी मूल के तस्कर भी सलाखों के पीछे पहुंच जा चुकी है। यही कारण है कि सोलन पुलिस को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर दो युवाओं को पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चिट्टे की खेप बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि इनमें से एक युवक तो ऐसा है जो पहले भी नशा तस्करी में जेल की हवा खा चुका है। अब पुलिस पकड़े गए दोनों युवाओं से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर वे किससे ये चिट्टा लेकर आए थे और इसे कहां बेचा जाना था।